बीएसएफ से बर्खास्त तेज बहादुर के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। बीएसएफ से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव के 22 वर्षीय बेटे रोहित की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्राथमिक तौर पर ये आत्महत्या का मामला लग रहा है। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। मैं तो गया हुआ था वहाँ पर इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ मेले में। हाँ जी, कुंभ मेले के अंदर हमारे जो संत हैं मौनी बाबा, उनके साथ में गया हुआ था। उन्होंने भंडारा करना, जब हम वहाँ से वापस चले तो रास्ते से मिसिज का फोन आया कि रोहित को कोई चोट लग गई। मुझे इतना इन्फॉर्मेशन मिला और घर आने के बाद पता लगा कि जैसे पुलिस वालों ने मुझे बताया है कि जो मेरे पास अपना लाइसेंस का पिस्टल है, मैंने जॉब करने के लिए लिया हुआ था, प्राइवेट में जॉब करें उसका लाइसेंस, अच्छा वो कहीं बच्चे ने मिस्टेक से उससे चल गई। बाई मिस्टेक उससे चल गई, क्योंकि देखने से लग रहा है कि उसमें मैगजीन नहीं लगा, बाहर पड़ा हुआ है। अच्छा, तो उसको नॉलेज तो थी नहीं उसके बारे में, तो बाई मिस्टेक कहीं से चल गई। कहाँ लगी गोली? मैंने देखा भी नहीं है। मैं रात के 2:30 बजे आया हूँ। क्या करता था आपका लड़का? भी लड़का बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ रहा था। बीएससी सेकंड ईयर। क्या कारण, अभी तक क्या कारण लगता है आपको इसके पीछे? नहीं जी, मैं 100% कह सकता हूँ कि उससे गलती से कोई हादसा हुआ है, बाकी ऐसी कोई बात है नहीं। क्योंकि एक लड़का है घर के अंदर और उसको किसी तरीके से कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या किसी पर। क्या कर रहा था? बीएससी सेकंड ईयर। बीएससी सेकंड ईयर पढ़ रहा है। तो जब ये हादसा हुआ घर पर अकेला था? हाँ, अकेला था, क्योंकि और निशी प्राइवेट कंपनी में जॉब पे जाती है, तो शाम की शिफ्ट में थी, तो उनको तो कंपनी में जब वो शाम को फ़ोन करती हैं डेली अपने बच्चे से बात करने के लिए, जब उसने फ़ोन नहीं उठाया तो उन्होंने पड़ोसियों को फ़ोन किया कि रोहित ने फ़ोन नहीं उठाया, तो पड़ोसियों ने शीशे में देखा तो उनको कहीं ब्लड दिखाई दिया लगता हुआ, तो उसके बाद में उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे ब्लड आ रहा है, तो तब ये जानकारी मिली है कि ये नहीं पता लगे क्या हुआ क्या नहीं। तो कुछ पता चला हो कि मौके पर ही जैसे, या फिर हॉस्पिटल लाने के बाद डेड हुआ? नहीं, वहीं डेथ हो चुका था। वो कितने टाइम से पड़ा था किसी को पता नहीं लगा। पता नहीं था। हाँ, एक्चुअली मुझे जो लग रहा है, क्योंकि मैं भी सर्विस किया हुआ है इन चीज़ों में जानता हूँ, कि उसका जो डेथ हुआ है ब्लड निकलने से हुआ, ना कि गोली से। क्योंकि ब्लड ज़्यादा निकलने के मेरा अपना आइडिया है, क्योंकि मैंने आने के बाद में उस रूम को बाहर से ही देखा, सीसी, तो ब्लड बहुत ज़्यादा निकला हुआ।